बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में तो अच्छा खासा नाम बना चुकी हैं। इसके साथ ही वो हॉलीवुड में भी अपना नाम बना रही हैं। वो आज जिस मुकाम पर हैं, वो कड़ी मेहनत के बाद वहाँ पहुँची। मेहनत के साथ साथ उन्हें बहुत कुछ सहना भी पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बात तब की है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसके बारे में खुद अब प्रियंका चोपड़ा ने बात की है और बॉलीवुड की पोल खोल दी। चलिए आपको बताते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने क्या कुछ कहा। 2020 के बाद से बॉलीवुड का समय खराब चल रहा है, लगातार बॉलीवुड पर आरोप लगते ही रहते हैं। इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने कई खुलासे किए। हाल ही में बीबीसी की 100 वुमेन लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा ने अपना नाम दर्ज करवाया। वो साल 2022 की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी है, जहाँ प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड और उसमें होने वाले रंग भेद को लेकर बात की। वो कहती है, मुझे काली बिल्ली और सांवली कहा जाता था। मेरा मतलब है, सांवली क्या होता है, वो भी उस देश में जिसमें सभी ब्राउन हैं। मुझे लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं सोचती थी कि मुझे दूसरों से ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, जबकि मुझे विश्वास था कि मैं अपने से हल्के स्किन कलर वाले एक्टर्स से ज्यादा टैलेंटेड थी। लेकिन उस समय मुझे लगता था कि ये सब ठीक है, क्योंकि यही नॉर्मल माना जाता था। वही प्रियंका ने आगे कहा, जाहिर है कि हमारे देश के औपनिवेशिक अतीत की वजह से है। अभी ब्रिटिश राज से निकले हमें 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम अभी भी इन चीजों को खुद से जोड़े हुए हैं। लेकिन ये हमारी पीढ़ी पर निर्भर करता है, उनके अंदर क्षमता है इन चीजों को बदलने की, ताकि आने वाली पीढ़ी हमसे विरासत में सिर्फ लाइट स्किन को अच्छा मानने की सीख न ले। इसके अलावा बॉलीवुड में हीरोइंस को मिलने वाली फीस और ट्रीटमेंट को लेकर भी प्रियंका चोपड़ा ने ढेर सारी बातें की। प्रियंका ने कहा, मुझे बॉलीवुड में कभी भी बराबरी का पैसा नहीं मिला। मुझे मेरे मेल कोस्टार्स की सैलरी के 10% ही फीस मिलती थी। ये गैप बहुत ही ज्यादा था और आज भी कई इंडस्ट्री में वुमेन इस चीज से डील कर रही हैं। आगे वो कहती हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं अभी बॉलीवुड में किसी मेल कोस्टार के साथ काम कर रही होती तो मुझे भी ये फेस करना पड़ता। प्रियंका ने कहा, मेरी जनरेशन की जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने निश्चित रूप से समान पेमेंट के लिए बोला होगा, लेकिन हमें कभी भी वो मिली नहीं। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने ये भी बताया कि एक्टर्स के मुकाबले एक्ट्रेसेस को शूटिंग सेट्स पर किस तरह से ट्रीट किया जाता था। प्रियंका ने कहा, मुझे ऐसा लगता था कि घंटों घंटों सेट पर बैठना बिल्कुल ठीक है, जबकि मेरे जो मेल कोस्टार्स होते थे वो अपना पूरा पूरा समय लेते थे और वहीं इसका निर्णय लेते हैं कि वो कब सेट पर आएंगे और कब हम शूटिंग की शुरुआत करेंगे। प्रियंका चोपड़ा से जब हॉलीवुड और बॉलीवुड के डिफरेंस पर पूछा गया तो एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा, ये पहली बार है जब मुझे एक्टर के बराबर का पैसा मिल रहा है, तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आगे इस चीज को कैसे लूंगी। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा कई बार बॉलीवुड पर बात कर चुकी हैं। फिलहाल प्रियंका के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।